अखर फक्कर लाल बुझक्कर, अखर फक्कर लाल बुझक्कर, कोई नहीं से लेता टक्कर, जो भी आया लौटा मुंह गिरा के। देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की, देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की। दरभंगा दरबार की रौनक हरी उलझन सुलझाते झटपट, उलझन भी भागे घबरा के। देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की, देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की। बच्चों नमस्कार, फिर से अनिल पतंग भैया आ गए हैं स्टॉप टीवी पर गोनू झा की एक रोचक कथा के साथ। स्टॉप टीवी पर हम परंपरा की बात करते हैं, पारंपरिक कहानियां, पारंपरिक गीत नृत्य नाटक, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और परंपरा से जुड़े हुए लोगों से आप मिलवाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो अच्छा लगता है तुम्हें तो लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने मित्रों के लिए, और पहली बार देखते हो तो इसे सब्सक्राइब भी करो। तो आज मैं एक कहानी जो लेके आ रहा हूँ उसका शीर्षक है पुत्रों को हाँक। हाँक मैंने मैथिली में कहते हैं उसको पुकार। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गोनू झा एक दिन क्या हो तो रोज रोज इतने सम्मान और प्रतिष्ठा बाहर से प्राप्त करके लाते थे कि गांव के लोग जल भून जाते थे। और जल भून जाते थे तो लोग कोशिश करते थे कि इसका कुछ नुकसान करें, इनके यहाँ कोई चोरी करवा दें या कुछ ना कुछ नुकसान करने की बात सोचते रहते थे। एक दिन गोनू झा को लगा कुछ खटर पटर सुनाई दिया, और उस खटर पटर में उसको लगा कि कुछ चोर वगैरह आया है, तो उसको पकड़ने का कुछ उपाय सोचने लगे। पत्नी को कहा कि यो पंडिताएं, अरे सुनिए जगिए जगिए, एक मैं कहानी सुनाता हूँ। और कहा यार इतने देर से रात को रोज आप क्या कहानी सुनाइएगा, आप तो रोज देर देर से आते हैं, तो मैं कितना तुम कभी नहीं पूछती होगी इतना देर से क्यों आते हैं। अरे क्या पूछूंगी, तुम्हारा तो आदत है सब दिन रोज रोज देर से आने का। कहा नहीं 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 नहीं, आज सुनो न, आज मैं चला गया था एक ज्योतिषी के पास, विष्णुदेव बाबू ज्योतिषी के पास, और विष्णुदेव बाबू ज्योतिषी ने जो बताया मेरी हस्तरेखा को देख करके, हस्तरेखा को देखा और बताया कि मुझे चार पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। चार पंडिताइन भी खुश हो गई, चार पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। पंडित विष्णुदेव बाबू ने कहा, ज्योतिषी कहा हाँ हाँ सुनो न, अब मैंने तो सबका नाम भी सोच लिया है। कल के अच्छा अच्छा जी चलो, मैंने जल में मछली या नौ नौ कुटिया बकरा, अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, तुम नाम भी सोच लिया। कहा रहे सुनो न, अरे बड़ा लड़का जो होगा उसका नाम रखेंगे पलटन, दूसरा लड़का जो होगा उसका फियन, तीसरा होगा उसका घूरन, और चौथा नाम रखेंगे चोर। अदर चोर भी कोई नाम होता है, चोर रखिएगा बेटा का नाम। करके हाँ हाँ चोर को बेटा का नाम रखेंगे, और सबको जब एक बार हमको पुकारना होगा, चारों बेटा घर के बाहर खेल रहे होंगे या कहीं गए होंगे, तो पुकारेंगे कि पलटन, फिरन, गुरन, चोर चोर चोर। अगल बगल से पलटन जी बाबू, फिरू बाबू, फिरन बाबू, गुरन बाबू, सब लठ लेके दौड़े, और क्या हुआ गोनू झा। उन्होंने धीरे से दरवाजा को खोला और दे गए जहां चोर दुख के बैठे हुए थे। चोर पकड़े गए, उसकी गहरी पिटाई हुई, और फिर उसको जेल भेजने का भी उपक्रम हुआ। तो ये है गोनू झा की कहानी। बच्चों कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद धन्यवाद अनिल पतंग भैया, कल फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।